एंड जो हुआ वहां पर इतना खतरनाक सीन हुआ क्या हुआ पापा बताओ भाई। इतना इज्जत का फलूदा निकाल दिया हमारे साथ, मतलब इतनी डांट खाई ना हमने, इतनी डांट खाई कि क्या बताऊं आपको मैं। तो बस ओम की इसी गड़ाई से आज के व्लॉग को शुरू करते। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, बालों का हाल देखो, कुछ इधर को गिर रहे हैं, कुछ इधर को गिर रहे हैं। मतलब सुबह सुबह उठ के ऐसे होता है, मुंह सूज जाता है, नाक सूज जाती है, आंख सूज जाती है, मुंह मोटा मोटा हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं जैसे कि 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सुबह सुबह उठ के ऐसे होता है। तो अभी फटाफट से जाते हैं, फिर नहाते हैं धोते हैं और फिर मिलते हैं अच्छे से। मम्मा ये देखो, चिलबुल ने क्या कर दिया? वो कर रहा है और तू उसे कर नहीं दे रहा है। उसे छीना क्यों नहीं तूने? मारा क्यों नहीं उसके मुंह में थप्पड़? वो देख ये सब चिलबुल ने कर दिया। तू निकल यहां से। पूरे तकिए की रेड़ मार दी, तकिए की बैंड बजा दी, तकिए का कान कर दिया। अभी भी नहीं छोड़ रहा। देखो जरा इसको लेके जाता हूं। चिलबुल सारी रुई निकाल दी बाहर इसने, क्या कहे इसका भी अब। ये उठा उसको, रुई को पूरा उठा रहा हूं मैं। खाने में लगा जब देखो, ये शैतानी करनी है उसको, खाता थोड़ी है उसको, उसने बर्बादी करनी है बस। ये नाश मारना है घटा उसने। अब देखो, अभी देखना है भारा अंदर बैठ गया। हाँ वो आ गया, फिर आ गया तेरी तो रुई। इतना शैतान है ना गाइस, सुबह एक घंटा करता है बस, फिर टन सोता। तो गाइस अभी नहा के आ गया हूं मैं और नाश्ता तैयार है। नाश्ते में बनाया है मम्मी ने, ये है रात की सब्जी, ये है प्याज की सब्जी और ये है रोटी, ये है चार बादाम, ये है अपना कड़क वाला गरम गरम दूध। तो बस इसको खाते पीते हैं और मस्त मजे करते हैं। अभी नाश्ता हो चुका है कंप्लीट एंड एक बहुत बड़ा पंगा भी हो चुका है। वो पंगा है कि अभी पापा के पास फोन आया ओम के स्कूल से एंड ओम के स्कूल वाले कह रहे कि अभी आप फटाफट ओम को लेके और आप खुद स्कूल में आओ। वो भी इतने गुस्से से कि मतलब क्या हो गया, क्या कर दिया हमने, क्या कांड कर दिया हमने। भाई तूने क्या कर दिया? भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, इतने गुस्से के साथ पापा तैयार हो चुके यहाँ पे। मैं मुझे लग रहा है कि आज मुझे मिलेगा गोल्ड मेडल, वहाँ मेडल गले पहनाएंगे। क्यों? आपके लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। करके इतने गुस्से मेडल मिलेगा वहाँ, बहुत अच्छा मेडल मिलने वाला आपको। वैसे इसने कांड कर रखा है वहाँ कल वो ऑनलाइन क्लास वाला। अरे कुछ कांड नहीं करा मैंने। क्या पंगा कर रखा भाई, बता दे अभी यही। अरे कुछ कांड नहीं करा यार। हाँ पता चला ना तो गाड़ी के पीछे रस्ते से बात करके लेके आऊंगा। चलो अब जल्दी, लेट हो रहे हैं भाई। आज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है मुझे। मम्मा, मम्मी ये लो चाबी, चाबी लो मम्मा, बस वेरी गुड बाय। मम्मी है अपने मेकअप स्टूडियो में और चुलबुल है घर में अकेला। कोई बात नहीं, अभी तो ही जाएंगे हम, बाकी मैं पापा ओम जा रहे हैं। चलो 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 चलो। स्कूल के अंदर जाम लग गया भाई, हम जा जाते हैं वहाँ जाम लगता है, चक्का जाम। तो बाकी भी जा रहे हैं भाई साहब, कैसी फीलिंग आ रही है, क्या हुआ क्या आज? आज गोल्ड मेडल पहना करके को नवाजा जाएगा। तो गाइस देखते क्या होता है। बाकी आज है ओम की पीटीएम में, मजाक कर रहा था कि बुलाया, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो अभी है ओम की पीटीएम और यहाँ पर बुलाया गया है, देखते क्या कहते हैं इसकी मैम सर जो भी है। और बढ़िया है, सही है ना, कंप्लेंट तो नहीं आएगी? नहीं, देख ले आएगी। शाबाश बेटा। ओम भाई जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? टॉप फ्लोर में जहाँ सर्विस करनी है। टॉप फ्लोर में? गाइस ये रहा ओम का पूरा स्कूल, बिल्कुल मस्त वाला।
छम वाला स्कूल है इसका, ये इसकी क्लास 9C। तो गाइस ये रही ओम की क्लास 9C। यहीं बैठता है तू हैं पढ़ाई? हां नहीं मतलब रोटेशन चलते रहता है। बैठता कहां है? वहां से सीधा आगे आता है। वहां पीछे बैठता है? बैठता कहां का? तो वहां पीछे बैठता है। पागल है क्या? आगे आते ऐसे 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 रोटेशन चलता है। रोटेशन? अच्छा अभी जो गाइस ओम की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी वो हो चुकी है खत्म। एंड जो हुआ वहाँ पर इतना खतरनाक सीन हुआ क्या वो पापा बताओ भाई, इसने इज्जत का फूल भी निकाल दिया हमारे साथ। मतलब इतनी डांट खाई ना हमने, इतनी डांट खाई कि क्या बताऊँ आपको मैं। ये बेचारा पढ़ने में बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं है यार पापा, ये होशियार है, ये पढ़ता नहीं है। तो इसके मार्क्स तो बहुत कम है, बुक्स के हाथ पढ़िए दिखाओ, मैं दिखाऊंगा तो आप लोगों के सर के बाल भी खड़े हो जाएंगे सबके। पढ़ता है ये, होशियार है गाइस लेकिन पढ़ता नहीं है। 10 में से कितने नंबर आए बता दो। 10 आउट ऑफ हिंदी में 10 में से 9 है, वो बढ़िया है। लेकिन मैथ्स जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें 10 में से 4। साइंस में जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें 10 में से 4। क्या नंबर ला रहा है तू यार ये? और बिना पढ़े 4 लाए, मैं तो पढ़ के कितने नहीं आऊंगा सर। डायलॉग बुलवा लो से नंबर 1 है। हां और बाकी पढ़ाई के मामले में 0। इतनी डांट खाई सर, बोल रहे पढ़ाई में सिंसियर नहीं है। क्या पापा यार, पढ़ाई के मामले में 0। एक मैं था, मैंने आपकी नाक को इतना आपके मतलब इतना मैंने आपको कम से कम ट्यूशन तो नहीं पढ़ा, बगैर ट्यूशन के तूने टॉप मारा। मैंने 10th और 12th टॉप तो तूने भी क्या मारा। अरे गाइस क्या बोल रहा, मतलब दिल टूट गया मेरा यार आज, उन्होंने नाक कटा दी। लेकिन बाकी जो मैथ्स में और साइंस में जो 10 में 4 मार्क्स लेके आया है तो, लेकिन इसे कमिटमेंट किया है कि आप सबको बोलो 10 में से 4 मार्क्स आए हैं और एक दिन फिर आप ये बोलोगे कि 10 में से 10 नंबर आए हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। गुड बोल रहे हैं आप हैं, ये तो पता है 10 में 10 आ ही नहीं सकते। भगवान डायलॉग बुलवा लो उससे, डायलॉग इतना मारूंगा तो घर चल, आज घर चल। गाइस अभी आ चुके हैं दादू दादी के वहाँ और आज अपना लंच करेंगे यहीं पर, दादी के हाथ का पहाड़ी खाना खाएंगे। चाची क्या कर रहे हो? प्रणाम। दादू 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 प्रणाम प्रणाम। ये ऐसे नंगे पोंगे की बैठे हो? अरे नहा के आया अभी। नहा के आयो? अच्छा, ये मस्त टन मेंटो जिंदगी चल रही है। दादी 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 कैसे हो? प्रणाम। क्या बना रहे हो? दाल चावल झोली दाल चावल। लेकिन ये दाल जो है ना पूरी पहाड़ी दाल है, इसको खा के पनीर फेल है, इसको खा के राजमा फेल है, इसको खा के लस्सी पस्ती सब फेल है भाई। ये पहाड़ी दाल है और बनाई गई है मेरी दादी के हाथों से। ये देखो गाइस, ये है सामने मुस्सू चाची की बेटी और ये कितने क्यूट है, कितनी क्यूट है। हेलो कर दो। वेरी गुड। ब्लॉग देख रही है और ये देख रही है ब्लॉग पापा के साथ, बिल्कुल मस्त वाला। मजे आ रहे मुसू? मुसू आप ब्लॉग देखते हो? आप ब्लॉग देखते हो रोज है? वो मुछ पालिया उसने। डाल दो। गाइस ये रहा अपना पहाड़ी भोजन, इसमें है हमारे पास पीली दाल है और ये है चावल, ये है रोटी, यहाँ पे चटनी। चटनी कौन सी है चाची? ये टमाटर की और आम और दाल कौन सी है? अरहर मलका मास मिक्स दाल। मिक्स दाल है, अरहर मलका सब मिक्स है। और यहाँ पर है हमारे पास पहाड़ी झोली और आप सभी लोग व्लॉग देखो, वीडियो देखो, ब्लॉग देखो और प्यार दो और ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही सपोर्ट करो और पहाड़ी में बोल दो कुछ। सब ठीक है, सब ठीक ठाक है। अच्छे हो जाओगे सब। तो गाइस अभी तो खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद मैं सो भी गया था, तो बाकी अभी जा रहे हैं अपने घर और बस चलते चलो। ये देखो गाइस, इसे कहते हैं होशियार बच्चा। ये घर में दिन रात पढ़ता है, 24 घंटे पढ़ता है, 24 घंटे के अलावा 26 घंटे भी पढ़ता है। ये क्या हुआ? जा रहा हूँ ट्यूशन। जा फिर, अभी इसकी मुलाकात मम्मी से नहीं हुई क्योंकि मम्मी सो रही है, जब मम्मी उठेगी तो फिर
इसके कच्चे फाड़ देंगी मम्मी। जा भाई जा। मतलब घर में आते ही पढ़ने बैठ गए, क्योंकि इसका आज ट्यूशन में ओरल टेस्ट है, वहां के लिए पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल के लिए नहीं पढ़ता ये। शाबाश भाई, ट्यूशन के लिए पढ़ूंगा तभी तो स्कूल में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आ रहे बहुत। बस गाइस, जिम जाने का टाइम हो चुका है, तो बस निकल चुके हैं जिम के लिए। आज होने वाला है हैवी चेस्ट वर्कआउट, तो चेस्ट वर्कआउट करेंगे, मस्त वाली चेस्ट बनाएंगे अपनी। तो बस जिम चलो, और जिम में मिलते हैं, फिर घर आएंगे, फिर घर में मिलेंगे आपसे। चलो गाइज, मैं जिम से आ चुका हूँ और हालत हो चुकी है ख़राब। मुझे लगा कि आज चेस्ट वर्कआउट है, लेकिन आज चेस्ट नहीं, आज था बैक वर्कआउट। तो आज इतना ज़्यादा खतरनाक वाला वर्कआउट हो गया कि मैंने ज़िंदगी में आज तक इतना खतरनाक वर्कआउट नहीं करा। मतलब हालत ख़राब हो गई यार, ख़त्म हो गई बॉडी, ख़त्म हो गई। मतलब घर आते आते लेट भी हो गया, और यहाँ पे खाना तैयार है, मतलब सीधे खाना खा रहा हूँ मैं। खाने में है ये सिंपल सी एग करी की करी, मतलब मैं अंडे नहीं खाता, अंडे खाता नहीं मैं, बॉयल्ड अंडे खाता हूँ। हाँ, एग करी वाले अंडे मुझे पसंद नहीं है, तो सिंपल रोटी और ये एग करी की करी है। और अम्मा आज स्कूल में बेइज्जती हो गई। क्या? होम के पीटीएम में। क्या? वही पता नहीं आपको कुछ नंबर कम आ रहे करके ना, नंबर कम आए टेस्ट में, लेकिन वो कह रहा कि सरप्राइज टेस्ट था। सरप्राइज टेस्ट था, कह रहा से बताया हुआ नहीं था पहले से। तो जो भी था नंबर तो कम थे, देखते हैं ना नेक्स्ट टाइम, देखते हैं अब कितने सरप्राइज और होंगे, तब देखते हैं ना आगे, फिर बताएंगे इसको। चलो ठीक है, मतलब हाँ क्या सारे बच्चे जितने भी थे क्लास में, सबके दो तीन चार नंबर ही आए थे। करा क्लास में जितने भी बच्चे थे सबके दो दो या तीन नंबर आए थे, उनमें सबसे ज्यादा मेरे ही है चार नंबर। वाह, सिर्फ एक बच्चे का है वो भी कितना है, आठ नंबर। आठ नंबर? तू भाई कुछ भी कर, लेकिन तू फेल मत होना, पास हो जाना बस। अरे यार ऐसी बात कर रहे हो आप, पास तो ही जाऊंगा। पास हो जाएगा पक्का? पास क्या, मैं पूरे स्टेट में टॉप मार दूंगा। सपनों में भाई, पूरे स्टेट में सपनों में बोल रहा है, सपनों में। अभी तो सरप्राइज टेस्ट था, जब इसका असली वाले यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली होंगे ना, तब देखेंगे हम। और अगर तब नंबर कम आए तो तू गया मेरे हाथ से, गया तू मेरे हाथ से गया, तू तो गियो 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 भाई। अगर मैं ही चला गया तो ब्लॉग में कौन आएगा? वो भी तो है। रे 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 रे, मम्मी कहाँ चढ़ गई रे मम्मा, गिर जाओ गिरे यहाँ से। हैं, कितना काम करती है मेरी मम्मी, वाह वाह मेरी मम्मी वाह। अरे मम्मा लाओ मैं कर दूँ? नहीं भाई रहने दे। अरे कर देता हूँ, अरे कर देता हूँ, अरे कर देता हूँ। अरे जाना यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाना। अरे बस गए, सब आ चुके हैं सोने के लिए, रात के बज गए हैं ये 11, तो बस अभी सोते हैं टन्नों के। यहाँ पर देखो गैस, ऊपर सो चुके हैं बिस्तर में पापा मम्मी, और ये है अपना अड्डा नीचे, और ये भी सो गया है मस्त होके, बिल्कुल मस्त वाला चल रहा है एसी। तो बस अभी करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा है, आपके चेहरे पे स्माइल है, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार ना, तब तक के लिए बाय बाय। अभी सोते हैं, मस्त वाली ठंड वाली हवा आ रही है, तो बस अभी सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह, बाय।